तो देश में लॉकडाउन के चलते गरीबों के लिए रोजी रोटी का सबसे बड़ा संकट है, लेकिन गरीबों को संकट से निकालने के लिए कई समाजसेवी आगे आ रहे हैं। मुंबई के एक ऐसे ही व्यापारी हैं सलीम कुदिया, जो हर रोज मुंबई में करीब 10,000 पके हुए भोजन के पैकेट लोगों में बांटते हैं ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। कोरोना को लेकर पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन है, इंसानों की रोजी रोटी दोनों चीज़ छीन चुकी है, तो कहीं ना कहीं रोजी की तलाश में जो मुंबई आते हैं लोग, उनको कहीं ना कहीं रोटी की कहीं ना कहीं दरकार होती है। हमारे साथ एक ऐसे ही बिल्डर मौजूद है जो लगातार रोज़ाना खाने का इंतज़ाम कर रहे हैं, सलीम कुड़िया जी। सलीम कुड़िया जी, सबसे पहला सवाल ये है कि आप खाने का इंतज़ाम कर रहे हैं लोगों को, तो आप मतलब कैसे इंतज़ाम कर रहे हो और क्या चीज़ें कर रहे हैं? हमने ये खाने का सिलसिला कुछ मंडे 23 मार्च 1500 आदमी से स्टार्ट किया था और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 10,000 के टारगेट तक पहुंच गए हैं, जिसके अंदर हम लोग पूरा लेबर तबका है, जो होमलेस है, जो किचनलेस है, उनको हम ये फूड प्रोवाइड करते हैं। आज इनको ज़रूरत नहीं है, लेकिन वक्त का तकाजा ये है कि बेचारे मजबूर है, ये प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए हम लोग ने ये प्रोविज़न किया हुआ है होमलेस के लिए और किचनलेस के लिए। इसके अंदर हमारा लेबर तबका है, मदनपुरे के अतराफ के लोग हैं, नागपाड़ा के हैं, आगरीपाड़ा के हैं, कुछ पुलिस के लोग हैं, कुछ होम गार्ड के हैं और मेन हॉस्पिटल्स हैं, खास करके हॉस्पिटल्स को हम लोग ने कवर किया है और पूरा इलाका जितना हमसे हो सका है हमने किया है, इंसानियत के तहत किया है, इंसान को इंसान की ज़रूरत का ख्याल करते हुए और वक्त और हालात को देखते हुए ये बीमारी के से लड़ने के लिए हमसे जो हो सका एक इंसान के नाते हमने इंसानियत के तहत किया है। ऊपर वाले से हम दुआ करते हैं कि हम मिलजुल के पूरा भारत, पूरा मेरा देश, मेरा हिंदुस्तान मिल के इसके लिए लड़े और मेरे जैसी कोशिश है, मैं चाहता हूँ हर लोग करे, हर इलाके में करे, तो ये गरीब तबका जो बेचारा आज होमलेस और किचनलेस है, वो कोई बेचारा भूखा नहीं रहेगा, उसके पेट में दो वक्त का अनाज पहुँच जाएगा। इसके लिए मैं हर एक का शुक्रगुजार हूँ और मेरी अपील है आप सब इसके अंदर हमारा साथ दीजिए। जय हिंद। देखिए, सलीम कुड़िया जी का साफ तौर पे ये कहना था कि जो होमलेस और किचन लेस है उनकी कहीं ना कहीं मदद करें, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर दो ही चीज़ के लिए कमाने आते हैं लोग, रोज़ी और रोटी। आजकल रोज़ी तो नहीं मिल पा रही, लेकिन रोटी के लिए आदमी दर बदर भड़क रहा है, तो ऐसे ही पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोग सामने आ रहे हैं जो रोटी का बंदोबस्त कर रहे हैं, ऐसे लोगों का जो रोटी से भी महरूम है। जनता टीवी के लिए अमजद खान, मुंबई।